हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड आज के लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्बन कॉस्टिंग ये जो दोनों टॉपिक हैं ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है फॉर इनकम डिटर्मिनेशन वैसे इनके बहुत सारे यूजफुलनेस है मैं आगे अभी बताऊंगी ये इनकम डिटरमाइन करने में भी हेल्पफुल है कॉस्ट कंट्रोल करने में प्रॉफिट प्लानिंग में तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्पन कॉस्टिंग राइट हम लोग सीवीपी एनालिसिस कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट अनालिसिस ब्रेक इव अनालिसिस ये सब ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पर कुछ हम कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं जैसे कॉन्ट्रीब्यूशन ठीक है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने सीवीपी एनालिसिस वाली जो वीडियो है उसमें डिटेल में डिस्कस किया था वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करते हैं कॉस्टिंग में ठीक है तो थोड़ा सा उसका आइडिया होना जरूरी है और कॉस्ट शीट का भी आइडिया जरूरी है ठीक है क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अभी मैं आपको बताऊंगी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट का अप्रोच ही यूज किया जाता है ठीक है तो थोड़ा सा आपको कॉस्ट शीट का आइडिया होना चाहिए कॉन्ट्रीब्यूशन का आइडिया होना चाहिए तो इन टॉपिक्स पे मैं सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ तो अगर आप लोग वो देखे होंगे तो अच्छा रहेगा ठीक है तो चलिए फिर डिटेल में बताती हूँ कि आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं तो आज के लेक्चर में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि ये एब्जॉर्ब कॉस्टिंग क्या होती है ठीक है उसके बाद हम देखेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग के क्या एडवांटेज है क्या फायदे हैं ठीक है ठीके? उसके बाद हम देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है देखिये मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट कॉस्ट क्या होती है वो हम पढ़ेंगे ठीक है स्टूडेंट्स को अधिकतर कंफ्यूजन रहता है वो सोचते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्ट सेम थिंग तो दोनों सेम नहीं है ठीक है तो वो हम समझेंगे मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है फिर उसके बाद हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग के बीच में क्या डिफरेंस है वो जानेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगी हाउ द इनकम डिटरमाइन इन मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक है अप्रोच है इसमें कैसे प्रॉफिट डिटरमाइन किया जाता है कैसे इनकम डिटरमाइन की जाती है कॉस्टिंग अप्रोच में कैसे डिटरमाइन की जाती है तो ये भी हम आज के लेक्चर में समझेंगे और उसके बाद मैं आपको एक नुमेरिकल करवाऊंगी सेम नुमेरिकल हम एक बार मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच से सॉल्व करेंगे और उसी नुमेरिकल को मैं एब्जॉपन कॉस्टिंग अप्रोच से सॉल्व करवाऊंगी ठीक है तो ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं राइट right? और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियो राइट और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप कॉमर्स के स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा क्योंकि मैं अपने चैनल पे जो डिफरेंट अकाउंट्स एंड फाइनेंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी लेक्चर वीडियो सीरीज टाइम टू टाइम लाती रहती हूँ तो एक बार मेरे चैनल पे जाके जरूर प्लेलिस्ट चेक करिएगा ठीक है और इन वीडियो सीरीज की मदद से पढ़ना शुरू करिए खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करिए राइट तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर प्रोडक्ट कॉस्टिंग एंड इनकम डिटरमिनेशन यानी प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के लिए दो इंपॉर्टेंट टेक्निक जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज की जाती है दैट इज एब्जॉर्पन कॉस्टिंग टेक्निक एंड मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक तो इन्हीं के बारे में डिटेल में हम आज डिस्कस करने वाले हैं ठीक है तो दीज आर द टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्ट कॉस्टिंग एंड इनकम डिटर्मिनेशन इनकम डिटर्मिनेशन मतलब प्रॉफिट डिटर्माइन करने की टेक्निक ठीक है तो चलिए पहले पढ़ते हैं हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के दूसरे नाम भी हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को ट्रेडिशनल कॉस्टिंग भी कहा जाता है कन्वेंशनल कॉस्टिंग भी कहा जाता है फुल कॉस्टिंग मेथड भी कहा जाता है ठीक है तो ये कुछ दूसरे नाम है जो आपको ध्यान में रखने हैं ठीक है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को क्या कहते हैं ट्रेडिशनल कॉस्टिंग या कन्वेंशनल कॉस्टिंग ठीक है या इसको फुल कॉस्टिंग या टोटल कॉस्टिंग मेथड भी कहा जाता है क्यों इसका ये नाम है क्योंकि इस टेक्निक में ये जो एब्जॉर्ब कॉस्टिंग टेक्निक है यहाँ पे टोटल इसको देखिए लिखा है मैंने यहाँ पे टोटल कॉस्टिंग टेक्निक भी इसे कहा जाता है क्यों क्योंकि यहाँ पे टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट मतलब फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट अगर मैं कॉस्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड करूं ठीक है वेरिएबिलिटी के बेसिस पे तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट होती है ठीक है तो ये जो एब्जॉर्ब कॉस्टिंग टेक्निक है यहाँ पर टोटल कॉस्ट को चार्ज किया जाता है एज अ प्रोडक्शन कॉस्ट ये खास बात है ठीक है ये कौन सी टेक्निक है टेक्निकब्जॉर््पन कॉस्टिंग टेक्निक यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है प्रोडक्ट की कॉस्ट में यानी यहाँ पे फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों को कंसीडर किया जाता है प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के लिए ठीक है इनकम डिटर्मिनेशन के लिए दोनों कॉस्ट को कंसिडर करते हैं ठीक है या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एब्जॉर्बन कॉस्टिंग टेक्निक में ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर एब्जॉर्ब जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ठीक है मैनुफेक्चर करने में जितनी भी कॉस्ट इनकर हुई है इन सबको एब्सॉर्ब किया जाता है इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी कॉस्ट में इसे किया जाता है और जो फैक्ट्री के जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं जो फैक्ट्री के ओवरहेड है इन्हें किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट हमने ओवरहेड रेट पढ़ा था ठीक है ओवरहेड्स को मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है चार से पांच लेक्चर में जिसमें मैंने अपोर्समेंट एब्जॉर्ब री एब्सॉर्प्शन ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए ठीक है थीके? तो फैक्ट्री ओवरहेड जो फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे हैं उन्हें कैसे ऑब्जॉर्व किया जाता है उन्हें एब्सॉर्व किया जाता है ऑन अ प्री ओवरहेड रेट पे ठीक है तो दिस इज एब्सॉर्ब कॉस्टिंग टेक्निक इसको ट्रेडिशनल कॉस्टिंग भी कहते हैं ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मतलब पहले यही कॉन्सेप्ट यूज होता था प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करने में या इनकम डिटर्मिनेशन करने में टोटल कॉस्ट को यूज किया जाता था ठीक है टोटल कॉस्ट को चार्ज किया जाता था फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को चार्ज किया जाता था इसीलिए इसे ट्रेडिशनल कॉस्टिंग या कन्वेंशनल कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक यानी पहले ट्रेडिशनल टाइम से ही यही मेथड यूज होता आ रहा है या इसे फुल कॉस्टिंग क्योंकि इसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों को कंसीडर किया जा रहा है इसलिए इसे फुल कॉस्टिंग या टोटल कॉस्टिंग मेथड कहते हैं तो दिस इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ठीक समझ में आ गया एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग यानी जहां पे फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों को चार्ज किया जाए प्रोडक्ट के पे ठीक है प्रोडक्ट पे दोनों को चार्ज किया जाए और प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना हो चाहे प्रॉफिट डिटरमाइन करना हो तो दोनों को कंसिडर किया जाए तो दैट इज एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक में जो अप्रोच यूज किया जाता है दिस इज सेम एज यूज इन कॉस्ट शीट जो कॉस्ट शीट हमने पढ़ी थी कॉस्ट शीट में कॉस्ट को डिटरमाइन करने प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए जो अप्रोच यूज करते थे ना वो एकदम सेम वही है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला ही अप्रोच है ठीक है तो अगर आपको कॉस्ट शीट बनाना आता है कॉस्ट शीट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से भी आप इनकम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको बताती हूँ मार्जिनल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन तो समझ में आ गई एब्जॉर्प्शन में फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों को कंसीडर करते हैं लेकिन ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक है इसमें थोड़ा सा चेंज है दिस इज एन ऑल्टरनेटिव टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक टेक्निकल्टरिव है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक का और ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक है इसके भी कुछ दूसरे नाम है इसको मार्जिनल कॉस्टिंग भी कहते हैं वेरेबल कॉस्टिंग मेथड भी कहते हैं या इसे डायरेक्ट कॉस्टिंग मेथड भी कहते हैं तो इसके ये कुछ दूसरे नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग वेरेबल कॉस्टिंग या डायरेक्ट कॉस्टिंग अप्रोच ठीक अब इस टेक्निक में होता क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में खास बात है ध्यान रखिएगा कि केवल वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज एस प्रोडक्ट कॉस्ट ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक है इसमें केवल ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज एज प्रोडक्ट कॉस्ट इसमें केवल वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज किया जाता है एन अ प्रोडक्ट कॉस्ट ठीक है एज प्रोडक्ट कॉस्ट और जो फिक्स खर्चे होते हैं फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है इनको प्रोडक्ट पे डायरेक्टली नहीं चार्ज किया जाता है दे आर चार्ज डायरेक्टली टू पी अकाउंट ठीक है जो फिक्स खर्चे होते हैं उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज किया जाता है ठीक इवन स्टॉक वैल्यूएशन जो स्टॉक वैल्यूएशन होता है उसमें भी फिक्स कॉस्ट को नहीं कंसीडर किया जाता है केवल वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज किया जाता है एज प्रोडक्ट कॉस्ट थी। और जो भी cost होती है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो खर्चे होते हैं इन्हें कंसिडर किया जाता है एज अ पीरियड कॉस्ट ठीक है मैंने जब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था ना पीरियड कॉस्ट एंड प्रोडक्ट कॉस्ट ठीक है तो पीरियड कॉस्ट क्या होता है पीरियड कॉस्ट मतलब होता है वो खर्चे जो उस ड्यूरेशन उस पीरियड में इनकर करते हैं जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा हो दैट इज कॉल्ड पीरियड कॉस्ट ठीक है तो ये जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ठीक है तो इन सबको कंसिडर किया जाता है एज अ पीरियड कॉस्ट दे आर नॉट कंसिडर एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट ठीक है ये जो एब्जॉर्शन कॉस्टिंग टेक्निक हो चाहे मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक हो दोनों में ही नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होती है उन्हें कंसीडर किया जाता है एज अ पीरियड कॉस्ट ये पीरियड कॉस्ट की तरह कंसीडर होते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं ठीक तो दिस इज मार्जिनल कॉस्टिंग ये होता है मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब केवल वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज किया जाएगा एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट और जो फिक्स चार्जेस हैं उन्हें चार्ज किया जाता है उन्हें चार्ज किया जाता है किस पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे राइट right? चलिए आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको बताती हूं मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है देखिए ये जो वर्ड है मार्जिन मार्जिन वैसे मतलब क्या होता है यहां पे मार्जिनल लिखा है बट जो वर्ड होता है मार्जिन मार्जिन मतलब क्या होता है तो मार्जिन मतलब होता है एक्स्ट्रा एडिशनल दैट इज कॉल्ड मार्जिन ठीक है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है

जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एक कंपनी है सौ यूनिट बनाती है ठीक है सौ यूनिट बनाने में कंपनी को एक हजार रुपए का खर्चा आता है ठीक है ये खर्चा लिखा है ये मैंने नंबर ऑफ यूनिट लिखी है कंपनी सौ यूनिट बनाती है तो एक हजार रुपए का खर्चा आता है फिर कंपनी जब एक सौ एक यूनिट बनाती है तो कंपनी को शायद एक हजार पचास रुपए का खर्चा आता है ठीक है तो अगर मैं पूछू इसमें मार्जिनल कॉस्ट क्या है तो मार्जिनल कॉस्ट हमने समझ लिया है मार्जिनल कॉस्ट इज एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट यानी एक एडिशनल यूनिट बनाने में कितना एडिशनल खर्चा आया है तो आप देखेंगे 100 से 101 यूनिट बनाने में एक यूनिट एक्स्ट्रा बनी और इस एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाने में कितना एक्स्ट्रा खर्चा आया पचास रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आया ठीक है तो यानी मार्जिनल कॉस्ट क्या है फिफ्टी रूपीज तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट तो मार्जिनल कॉस्ट इज एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट एक एडिशनल यूनिट बनाने में जो एडिशनल खर्चा आता है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट राइट या इसको दूसरे शब्दों में भी कहा जा सकता है कि इट इज द टोटल ऑफ ऑल द वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट इनकर होती है प्रोडक्ट पे ठीक है उन सबका जो सम होता है ना दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट ठीक है तो मार्जिनल कॉस्ट इज कम्पोज ऑफ ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवर देखिए जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो वेरिएबल कॉस्ट ही तो होती है जैसे मटेरियल का खर्चा डायरेक्ट कॉस्ट है लेकिन ये वेरिएबल कॉस्ट भी है ठीक है लेबर का खर्चा डायरेक्ट कॉस्ट है एंड वेरिएबल कॉस्ट है ठीक है वैसे ये सब कॉन्सेप्ट मैंने जब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पढ़ा है तो डिटेल में डिस्कस हुआ है ठीक है तो बेसिकली हम कह सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट क्या है मार्जिनल कॉस्ट है इट इज द सम ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड जो भी डायरेक्ट कॉस्ट है एंड वेरिएबल ओवरहेड है इसका सम होता है मार्जिनल कॉस्ट ठीक ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मार्जिनल कॉस्ट से रिलेटेड कि जो मार्जिनल कॉस्ट है पर यूनिट दिस रिमेन फिक्स वो फिक्स रहती है इट डज नॉट चेंज वो चेंज नहीं होती है मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट ठीक है तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट जो होती है एक यूनिट की जो मार्जिनल कॉस्ट है दैट रिमेन वो अनचेंज रहती है इर ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी लेवल ऑफ एक्टिविटी भले ही चेंज हो जाए पहले आप सौ यूनिट बना रहे हैं बाद में आप एक यूनिट बना रहे हैं लेकिन जो मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट है यानी एक यूनिट की जो मार्जिनल कॉस्ट है ना दैट रिमेन फिक्स टोटल मार्जिनल कॉस्ट चेंज होगी ठीक है जब आप नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज कर दें लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ा दें तो टोटल मार्जिनल कॉस्ट ध्यान से समझिएगा टोटल मार्जिनल कॉस्ट चेंज होगी लेकिन मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा दिस रिमेन फिक्स ठीक ये मैंने ग्राफ के साथ बताया है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में ठीक है तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स रहता है तो चलिए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ मार्जिनल कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है इसको एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ ठीक है एक कंपनी है मैन्युफैक्चर कर रही है सौ यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट पर मंथ हर महीने सौ यूनिट बनाती है फिक्स कॉस्ट का खर्चा कितना आता है पांच हजार रुपए आता है और जो मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट है वो है ढाई सौ रुपए ठीक है तब मैं अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है मार्जिनल कॉस्ट का कि मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट इनकर इन प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट एक एडिशनल यूनिट बनाने में जो एडिशनल खर्चा आता है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट ये मैंने अभी आपको बताया ना तो वही कॉन्सेप्ट जरा इस एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं ठीक देखिए सौ यूनिट बनाने में इस हर महीने कंपनी में कितने यूनिट बन रही है सौ यूनिट तो सौ यूनिट बनाने में मार्जिनल कॉस्ट कितनी इनकर हो रही है एक यूनिट बनाने में अगर ढाई सौ रुपए इनकर हो रहा है तो सौ यूनिट बनाने में कितना इनकर होगा सौ से मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फिक्स कॉस्ट का खर्चा कितना है क्वेश्चन में देखिए तो है पांच हजार रुपए तो फिर वेरिएबल कॉस्ट पता चल गई फिक्स कॉस्ट पता चल गई दोनों को जोड़िए आपका आ जाएगा टोटल कॉस्ट यानी सौ यूनिट बनाने में टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है थर्टी थाउजेंड फिर अगर कंपनी ने अपना आउटपुट इंक्रीज कर दिया वन यूनिट से एक यूनिट बढ़ा दिया तो अब मार्जिनल कॉस्ट कितनी लगेगी ठीक है? है. है, है, तो 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 कितना आ जाएगा? में बताया तो तो यानी अभी भी fixed cost लग रही है. दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट यानी एक सौ एक यूनिट जब कंपनी बना रही है तो टोटल कॉस्ट आ रही है थर्टी थाउजेंड टू फिफ्टी राइट थर्टी थाउजेंड टू फिफ्टी तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे टोटल कॉस्ट में कितना इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे टोटल कॉस्ट में 250 का इंक्रीज हो रहा है एडिशनल यूनिट वन एडिशनल यूनिट बनाने से ठीक है एक एडिशनल यूनिट बना रहे हैं तो टोटल कॉस्ट में कितना इंक्रीज हो रहा है टोटल कॉस्ट में टू का इंक्रीज हो रहा है और 250 ही तो मार्जिनल कॉस्ट है ठीक है कितना इंक्रीज हो रहा है टू फिफ्टी रुपीज का इंक्रीज हो रहा है और टू फिफ्टी ही तो मार्जिनल कॉस्ट है तो इस तरीके से प्रूव होता है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है एक एडिशनल यूनिट बनाने में टोटल में टोटल कॉस्ट जितना इंक्रीज होता है वो है मार्जिनल कॉस्ट ठीक अच्छा इस क्वेश्चन में जो फिक्स कॉस्ट है ना वो क्या है देखिए फिक्स कॉस्ट फिक्सड है कंपनी चाहे 100 यूनिट का प्रोडक्शन करे चाहे 101 यूनिट का कर रही है एक एडिशनल यूनिट बना रही है तो यहाँ पे फिक्सड कॉस्ट सेम है ठीक है बट अगर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रही होती ठीक ये बात भी ध्यान से समझिएगा अगर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रही होती तो हम एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज करते दैट इज डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस वो कॉन्सेप्ट यूज करते प्रॉफिट एनालाइज करने के लिए डिसीजन लेने के लिए हम जो कॉन्सेप्ट यूज करते दैट इज डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस ठीक है अगर यहाँ पे फिक्स कॉस्ट भी वेरी कर रही होती बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है फिक्स है सेम आप नंबर ऑफ यूनिट बढ़ा रहे हैं बट फिक्स कॉस्ट सेम है तो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं लेकिन अगर फिक्स कॉस्ट वेरी करती तो हम यूज करते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस मेथड ठीक है method, ये मैंने डिस्कस किया है जब मैंने डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है तो वहां पर हमने यूज किया है डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस डिटेल में डिस्कस किया है ठीक है तो फिक्स कॉस्ट वेरी करे तो ये मेथड यूज होता है राइट right? तो हमें समझ में आ गया मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग वो टेक्निक है वो अकाउंटिंग का सिस्टम है जिसमें वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज किया जाता है टू कॉस्ट यूनिट कॉस्ट यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज किया जाता है और जो फिक्स कॉस्ट होती है उसको चार्ज किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट जो ड्यूरेशन की जो फिक्स कॉस्ट होती है इस दिस इज रिटर्न ऑफ अगेंस्ट द कॉन्ट्रीब्यूशन

के दो फॉर्मुले हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं चाहे वो अब सीवीपी एनालिसिस के क्वेश्चन हो ब्रेक इवन एनालिसिस के क्वेश्चन हो मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चन हो दो फॉर्मुले हैं कॉन्ट्रीब्यूशन के जो बहुत काम आने वाले हैं जो बहुत काम आते हैं दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट पहला कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मुला है कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्व टू प्रॉफिट ठीक है तो ये दो कॉन्ट्रीब्यूशन के फॉर्मुले हैं जो बहुत काम के हैं बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिसीजन लेने में ये फॉर्मले हेल्प करते हैं ठीक है तो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में जो वेरिएबल कॉस्ट है इसे कॉस्ट यूनिट पे चार्ज किया जाता है और जो फिक्स कॉस्ट है उसको राइट ऑफ किया जाता है अगेंस्ट द कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट ये देखिए फिक्स कॉस्ट है इसको राइट ऑफ कर रहे हैं अगेंस्ट द कंट्रीब्यूशन तो हमारा कितना आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है तो बस यही लॉजिक यूज किया जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग में ठीक तो ये देखिए मैंने एक ग्राफ के साथ एक मतलब आ, फ्लो चार्ट के साथ मैंने आपको बताया है कि मल्टी प्रोडक्ट कंपनी अगर वो कंपनी जिसमें मल्टी प्रोडक्ट में डील करती है कई प्रोडक्ट्स में डील करती है तो ऐसी कंपनी में अगर आपको प्रॉफिट सर्टेन करना है प्रॉफिट डिटरमाइन करना है मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक से तो कैसे डिटरमाइन किया जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए तो सपोज करिए जो कंपनी है इसके कई प्रोडक्ट है मार्केट में प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट सी है ठीक है तो सबसे पहले तो मैंने बताया सेल्स में से मार्जिनल कॉस्ट या जिसके कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन ठीक है मैंने बताया ना दो कॉन्ट्रीब्यूशन के फॉर्मुले हैं बहुत काम के हैं एक तो कॉन्ट्रीब्यूशन है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट ये दो फॉर्मुले यूज किए जाएंगे ठीक है तो मार्जिनल कॉस्टिंग में ये दो फॉर्मली यूज किए जाते हैं तो सबसे पहले सेल्स में से मार्जिनल कॉस्ट माइनस करिए तीनों प्रोडक्ट में सेल्स में से मार्जिनल कॉस्ट आप माइनस करेंगे तो आज आएगा कंट्रीब्यूशन ठीक है कंट्रीब्यूशन आ गया कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट ए बी और सी का फिर आप तीनों को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन अब इस टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन में से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस करिए तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट ठीक है तो यही लॉजिक यूज किया जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए ठीक अब चलिए अब मैं आपको बताती हूँ ये जो एब्जॉर्बन कॉस्टिंग टेक्निक है एंड मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक है दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है तो दोनों के बीच में तीन डिफरेंस है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहला डिफरेंस क्या है सबसे पहला डिफरेंस है ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट तो मैंने बताया था मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में केवल वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज किया जाता है प्रोडक्ट पे जो फिक्स कॉस्ट है उसको कंसीडर किया जाता है एज अ पीरियड कॉस्ट वो पीरियड कॉस्ट की तरह कंसीडर किया जाता है एंड इसको चार्ज किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑफ दैट पीरियड ठीक है तो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में ये होता है जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक में जो टोटल कॉस्ट है जो ऑल कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों को चार्ज किया जाता है प्रोडक्ट पे ठीक है तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस दूसरा डिफरेंस जो दोनों के बीच में है दैट इज रिलेटेड विद वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक जब स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है तो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में चाहे आप वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन कर रहे हो चाहे फिनिश गुड का वैल्यूएशन कर रहे हो ठीक है मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में केवल मार्जिनल कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है यानी वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है जबकि एब्जॉर्बन कॉस्टिंग टेक्निक में जो टोटल कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों को कंसीडर किया जाता है स्टॉक के वैल्युएशन में राइट दिस इज द सेकेंड डिफरेंस अच्छा एक चीज अगर स्टॉक वैल्युएशन में मार्जिनल कॉस्टिंग में केवल वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर करेंगे और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में टोटल कॉस्ट कंसीडर करेंगे तो इससे एक बात और समझ में आ रही है कि स्टॉक वैल्यूएशन में जब मार्जिनल कॉस्टिंग से आप स्टॉक वैल्यूएशन करेंगे तो जो स्टॉक वैल्यूएशन है मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक से दैट विल बी लो वो कम होगा जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक जब आप यूज करेंगे तो उसमें जो स्टॉक वैल्यूएशन आएगा दैट विल बी मोर वो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक ठीक है तो ये एक खास बात है चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा डिफरेंस देखते हैं तो थर्ड डिफरेंस क्या है कि मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में आप जब रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं किसी प्रोडक्ट की या किसी डिपार्टमेंट की ठीक है कंपनी के कई प्रोडक्ट हैं या कंपनी के कई डिपार्टमेंट हैं आपको रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है ठीक है यानी हर डिपार्टमेंट हर प्रोडक्ट की कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है एज कंपेयर टू अदर तो अगर आपको रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है तो वहां पर जो गाइडिंग फैक्टर है जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी मदद से आप निकालते हैं दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में कॉन्ट्रीब्यूशन जो टर्म है दिस एक्ट एज अ गाइडिंग फैक्टर वो एक गाइडिंग फैक्टर है जिसकी मदद से मैनेजीरियल डिसीजन लिया जाता है जिसकी मदद से प्रॉफिटेबिलिटी निकाली जाती है ठीक है <coughs> जबकि एब्जॉपन कॉस्टिंग टेक्निक में क्या होता है एब्जॉपन कॉस्टिंग टेक्निक में जो प्रॉफिट फिगर होता है दिस इज द गाइडिंग फैक्टर ये जो प्रॉफिट फिगर निकल के आता है हर डिपार्टमेंट का हर प्रोडक्ट का वो होता है मेन गाइडिंग फैक्टर वो होता है मेन मैनेजीरियल डिसीजन लेने में वो फैक्टर मदद करता है जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में कॉन्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है गाइडिंग फैक्टर राइट तो दिस इज द थर्ड डिफरेंस तो ये तीन डिफरेंस है बिटवीन एब्जॉपन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको बताने जा रही हूं कैसे इनकम डिटरमाइन करेंगे कैसे प्रॉफिट डिटरमाइन करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड में ठीक है तो जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक यूज करके जब आप प्रॉफिट निकालते हैं तो जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है दोनों सिस्टम में वो सेम भी हो सकता है वो डिफरेंट भी हो सकता है ठीक है जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है डिफरेंट क्यों हो सकता है क्योंकि अभी मैंने बताया जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन है इन्वेंट्री वैल्यूएशन डिफर कर जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग में केवल वेरिएबल कॉस्ट यूज करेंगे एब्जॉर्प्शन में दोनों कॉस्ट यूज करेंगे वेरिएबल एंड फिक्स दोनों तो क्या होगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन में डिफरेंट डिफरेंस आ जाता है जिसकी वजह से प्रॉफिट डिफर कर जाता है ठीक मार्जिनल कॉस्टिंग में ये देखिए मैंने लिखा है मार्जिनल कॉस्टिंग में जब इन्वेंट्री वैल्यूएशन किया जाएगा केवल वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर किया जबकि एब्जॉर्न में टोटल कॉस्ट कंसीडर किया जिससे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन डिफर कर जाएगा और इन्वेंट्री का वैल्यूएशन डिफर कर गया इसका मतलब प्रॉफिट चेंज हो गया प्रॉफिट डिफर कर जाएगा ठीक है तो मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक से जो प्रॉफिट निकल के आता है वो सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है ठीक अब मैं आपको बताने जा रही हूँ किस तरीके से फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट या जो प्रॉफिट डिटरमाइन करना है या जो इनकम निकालना है उसके लिए किस तरीके से फॉर्मेट बनाते हैं स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक अगर हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक यूज करके हमें इनकम निकालनी है प्रॉफिट निकालना है तो हम क्या अप्रोच यूज करते हैं कैसे निकालते हैं वो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ठीक है तो अगर आपने कॉस्ट शीट पढ़ रखा है ठीक है तो अब आपके लिए बहुत ईजी होगा ये समझना क्योंकि एकदम कॉस्ट शीट वाला अप्रोच ही यहाँ पे यूज किया गया है देखिए हमें प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दें तो निकल के आएगा प्रॉफिट बस यही कॉन्सेप्ट यूज किया है ठीक है बस टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए जो सिस्टम यूज किया गया है जो सीक्वेंस यूज किया गया है वो एकदम कॉस्ट शीट वाला सीक्वेंस है बस ये चीज ध्यान में रखिएगा सेल्स में से टोटल कॉस्ट निकाला तो आ जाएगा प्रॉफिट यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और टोटल कॉस्ट में जो सीक्वेंस यूज करेंगे वो एकदम कॉस्ट शीट वाला सीक्वेंस होगा तो देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा है मैंने सेल्स ठीक है सबसे पहले सेल्स लिखेंगे उसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट ठीक है प्रोडक्शन कॉस्ट यानी प्रोडक्शन में जितना भी खर्चा आ रहा है जैसे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट लेबर कंज्यूम वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट खर्चे ठीक है फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इन सबको सम करेंगे तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इनकी कॉस्ट कितनी आई वो आ जाएगी फिर इसमें एड किया जाएगा अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया है तो उसे ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड़ दिया है तो उसे माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सोल्ड जैसे हम कॉस्ट शीट में करते थे एकदम सेम वही है ठीक है और अगर कुछ अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अगर दिया है तो उसका एडजस्टमेंट किया जाएगा ठीक है अगर अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स ओवरहेड है तो उसे एड करेंगे अगर ओवर एब्जॉर्प्शन है तो उसे माइनस करेंगे ठीक तो ये एडजस्टमेंट किया जाएगा फिर उसके बाद अगर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आपको दी गई है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दी गई है तो उसको भी आप एड करेंगे ठीक ये दोनों क्या है ये दोनों पीरियड कॉस्ट है ठीक है तो इनको भी आप एड करेंगे तो आ जाएगी टोटल कॉस्ट अब मैंने बताया सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट ठीक है तो इस तरीके से प्रॉफिट निकाला जाता है एब्जॉर्ब कॉस्टिंग मेथड में फॉर्मेट की बात अगर कहें तो ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है एक होगा यहाँ पे पर्टिकुलर्स का कॉलम और एक होगा यहाँ पे अमाउंट का कॉलम ठीक है यहाँ पे अमाउंट के दो या तीन कॉलम भी कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस अब अगर यही आपको इनकम डिटरमाइन करना है प्रॉफिट डिटरमाइन करना है अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक तो हम क्या लॉजिक यूज करेंगे तो मैंने बताया था मार्जिनल कॉस्टिंग में जो गाइडिंग फैक्टर है दैट इज कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन के दो फॉर्मूले हैं जो बहुत काम के हैं दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दिस इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन लॉजिक क्या यूज करेंगे वो पहले मैं बता रही हूँ सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन फिर कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे तो आएगा प्रॉफिट बस ये दो स्टेप यूज करेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा इनकम डिटरमाइन हो जाएगी ठीक है तो सबसे पहले तो सेल्स आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा वो लिखेंगे फिर उसके बाद जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है क्वेश्चन में वो लिखेंगे ठीक है तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिखेंगे जिसमें आता है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वो सब आएगा ठीक है तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस फिर इसके बाद अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया है तो उसे प्लस करो क्लोजिंग दिया है तो उसे माइनस करो तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ठीक है फिर अगर कुछ वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्वेश्चन में दिया है तो आप इनको एड करेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट ठीक है तो बेसिकली जितने वेरिएबल खर्चे क्वेश्चन में दिए थे इनको सीक्वेंस में हमने ऐड किया तो हमारा आ गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो सेल्स दिया है टोटल वेरिएबल कॉस्ट है तो हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा ना कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट अब इस कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट चाहे वो प्रोडक्शन की हो फिक्स कॉस्ट चाहे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी फिक्स कॉस्ट है उसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट हमें नेट प्रॉफिट ही डिटरमाइन करना है ठीक है तो ये लॉजिक यूज किया जाता है तो बेसिकली ये दो फॉर्मूले ध्यान में रखिएगा ठीक है आप आसानी से कर लेंगे अब मैं आपको एक नुमेरिकल कराने जा रही हूं ये जो नुमेरिकल है इसको हम पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक से प्रॉफिट निकालेंगे और फिर इसी न्योमेरिकल को हम करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक से ठीक है तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा चलिए क्वेश्चन क्या है जेन लिमिटेड ने आपको कुछ डेटा प्रोवाइड किया है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दी है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दी है डायरेक्ट वेजेस दी हैं वेरिएबल ओवरहेड दिया है फैक्ट्री का एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग का दिया है फिक्स ओवरहेड दिया है फैक्ट्री का एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग का दिया है और आपको टोटल सेल्स दी गई है तो आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है प्रॉफिट डिटरमाइन करना है एब्जॉर्बशन कॉस्टिंग मेथड से ठीक तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे ऊपर लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट और ब्रैकेट में लिखेंगे कि कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोला गया है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लिखेंगे पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट का कॉलम ये हो गया अमाउंट का ये पर्टिकुलर्स का कॉलम ठीक तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लॉजिक क्या है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड में कि सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट ये लॉजिक यूज करना है तो सेल्स क्वेश्चन में दी है क्या हाँ सेल्स दी है सेल्स कितनी दी है वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ये देखिए ये दी गई है ठीक है इसके बाद जैसे हम कॉस्ट शीट में जिस सीक्वेंस में कॉस्ट शीट में आइटम रिकॉर्ड करते थे और टोटल कॉस्ट निकालते थे वही लॉजिक यहाँ यूज होगा तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस आपको क्वेश्चन में दिए हैं ये देखिए डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस दिए हैं ये रिकॉर्ड करेंगे उसके बाद फैक्ट्री के जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं ठीक है फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे ये दिए है ना फैक्ट्री का वेरिएबल ओवरहेड फैक्ट्री का फिक्स्ड ओवरहेड ये दिया गया है तो फैक्ट्री के जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं उनको आप रिकॉर्ड करेंगे तेरह हजार बीस हजार आपने रिकॉर्ड किया तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कह लीजिए फैक्ट्री कॉस्ट जिसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया वन लाख थ्री थाउजेंड हमने सारे आइटम यहां पे रिकॉर्ड किए फिर इसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट आ गई इसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग का जो फिक्स्ड ओवरहेड है और वेरिएबल ओवरहेड है उसको ऐड करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड जो आपको दिया है एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग के जो इनडायरेक्ट खर्चे क्वेश्चन में दिए हैं फिक्स्ड एंड वेरिएबल इनको रिकॉर्ड करेंगे क्वेश्चन में देखिए कितना है दो हजार और आठ हजार है ना तो ये आपने रिकॉर्ड किया इनका टोटल किया ठीक है तो आपका फिर कितना आ गया टोटल कॉस्ट आ गई अब और कोई क्वेश्चन में कोई खर्चा दिया है देखिए जितने क्वेश्चन में कॉस्ट दी थी आपने सभी को रिकॉर्ड कर लिया है तो अब कोई और कॉस्ट नहीं दी गई है तो यानी अब टोटल कॉस्ट को रिकॉर्ड कर लीजिए टोटल कर लीजिए तो आ गया वन लाख थर्टीन थाउजेंड ठीक टोटल कॉस्ट आ गई अब बताया था सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करिए आपका आ जाएगा ना प्रॉफिट तो प्रॉफिट आ गया वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड में से आपने वन लाख थर्टीन थाउजेंड माइनस किया तो आ गया हमारा बारह हजार का प्रॉफिट बहुत आसान है ठीक है तो एब्जॉर्बन कॉस्टिंग टेक्निक से आपने जब प्रॉफिट निकाला तो आया आंसर ट्वेल्व थाउजेंड ठीक अब इसी क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा इसी क्वेश्चन को अब हम किससे सॉल्व करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक से मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में क्या लॉजिक यूज होना था बताइए क्या लॉजिक यूज होगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन सबसे पहले सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट है ठीक है वेरिएबल कॉस्ट को निकालेंगे आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन फिर कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे तो आएगा प्रॉफिट बस यही लॉजिक यूज करना है तो सबसे पहले सेल्स क्वेश्चन में दी है हाँ दी है वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ये देखिए फिर उसके बाद हम हम निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट तो अब क्वेश्चन में जितने भी वेरिएबल खर्चे हैं जैसे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट वेरिएबल ओवरहेड फैक्ट्री एंड वेरिएबल ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ठीक है तो ये चार वेरिएबल खर्चे हैं तो इन सबको लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस वेरिएबल ओवरहेड फैक्ट्री वेरिएबल ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग तो ये जो चारों जितने भी वेरिएबल खर्चे हैं उनको लिखा और इनको आपने टोटल किया आया एटी फाइव थाउजेंड तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई एटी फाइव थाउजेंड ठीक तो आप निकालें कॉन्ट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन क्या है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट सेल्स कितनी है वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वेरिएबल कॉस्ट कितनी है एटी फाइव थाउजेंड दोनों को माइनस किया कंट्रीब्यूशन कितना आया फोर्टी थाउजेंड आ गया कंट्रीब्यूशन अब अगला स्टेप क्या है कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करो तो क्वेश्चन में देखिए फिक्स कॉस्ट कहाँ है फिक्स कॉस्ट ये दी गई है फिक्स कॉस्ट फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग की कितनी कितनी है बीस हजार आठ हजार ठीक है तो इसके बाद हमने रिकॉर्ड किया फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड में फिक्स फैक्ट्री uh, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग बीस हजार आठ हजार दोनों एड किया है तो फिक्स खर्चे आ गए तो अब हम जानते हैं कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करो तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट तो कंट्रीब्यूशन है चालीस हजार फिक्स कॉस्ट है अट्ठाइस हजार दोनों को माइनस किया आ गया आंसर बारह हजार राइट तो इस तरीके से हमने प्रॉफिट डिटरमाइन कर लिया मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक से ठीक अब एक बात आपने देखा आपने नोटिस किया कि जो प्रॉफिट हमने एब्जॉर्न कॉस्टिंग से निकाला था तो वो भी ट्वेल्व थाउजेंड आया मार्जिन कॉस्टिंग से निकाला तो भी ट्वेल्व थाउजेंड आया तो मैंने बताया था कि जो प्रॉफिट है वो सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है जो प्रॉफिट है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इट कुड बी सेम इट कुड बी डिफरेंट ये डिपेंड करता है वैल्युएशन ऑफ स्टॉक पे तो आप देखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक था क्या नहीं था ना तो यानी कोई ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक नहीं था तो यानी वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक नहीं था तो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक अगर नहीं था तो द प्रॉफिट विल बी सेम अगर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक नहीं है इसका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में नहीं है तो जो प्रॉफिट लॉस आएगा दोनों मेथड में वो सेम होगा बट अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है तो वहां पे आप वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करेंगे और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अगर है ठीक है तो क्या होगा दोनों का जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री किया जाएगा उससे जो फिगर्स आएंगे वो डिफर करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो उसकी वजह से अल्टीमेटली प्रॉफिट डिफर कर जाता है दोनों मेथड में बट क्योंकि यहां पे कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट सेम आया है दोनों ही मेथड में बारह हजार राइट तो चलिए दिस वॉज दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर ये था पूरा आज का लेक्चर आई होप मैंने आज जो कुछ भी पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा वैसे अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो ये जो 30 मिनट अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट का लेक्चर होगा ये तो ये जो लेक्चर था वो अगर यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है राइट right, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक अपना ध्यान रखिएगा गॉड ब्लेस यू